panda, 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 panda. I got broads in Atlanta, just at the lean in the family. Credit cards in the scammers, hitting the licks in the family. Legacies, family, way and see, look like a panda. हेलो गाइस, वेलकम टू द एजमेंट न्यूज। तो गाइस, आज हम बात करेंगे हॉलीवुड के अपडेट्स के बारे में, कुछ मार्वल के अपडेट के बारे में, कुछ डीसी के अपडेट के बारे में। बट उससे पहले, अगर आपने मेरा अभी तक इंस्टाग्राम पेज लाइक नहीं करा है तो आप लाइक कर लीजिए, क्योंकि सारे अपडेट आपको पहले ही पता चल जाते। तो ये मेरा वीकली वीडियो जिसमें कि आपको सारे अपडेट मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते दिस वीडियो। तो सबसे पहले, स्पंजबॉब की मूवी ऑफिशियली अनाउंस हो चुकी है और उसके ऊपर एक मूवी बनेगी, जो कि मुझे काफी ज्यादा इंतजार है इस मूवी का। उसके बाद कर्नेज का एक आर्टवर्क लॉन्च हुआ है कि कर्नेज किस तरीके से दिखेगा अपने कलर में, जी हाँ, रेड कलर में। देन उसके बाद कैप्टन मार्वल का एक आर्टवर्क लॉन्च हुआ है, जो कि काफी कमाल का लग रहा है। और आपको मैं ये पहले भी बता चुका हूँ, तो एक आर्टवर्क काफी कमाल का है। देन उसके बाद टेड फाइनली 2019 में रिलीज होगी, ये पार्ट 3 आ रहा है और उसके दोनों पार्ट काफी बेहतरीन थे और मुझे काफी पसंद भी आए। उसके बाद जॉन वीक की जो विलेन है, जी हाँ, चैप्टर 3 की, उसका फर्स्ट लुक लॉन्च हो चुका है, जो कि आपको मेरे फेसबुक पेज पे मिल जाएगा। उसके बाद सोनी की अपकमिंग मूवी, जी हाँ, सिल्वर और ब्लैक, 8 फरवरी को कंफर्म हो चुकी है, जो कि सोनी ने ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है। उसके बाद ब्लैक पैंथर के ट्रेलर को गोल्डन अवार्ड मिला है, जी हाँ, ये काफी बड़ी बात है अमेरिकन के लिए, क्योंकि ब्लैक पैंथर हिट होने के साथ उसे गोल्डन अवार्ड मिल चुका है, जो कि काफी कम लोगों को मिलता है। उसके बाद XXX4 में दीपिका पादुन का एक आर्टिव नंबर सॉन्ग होगा, जो कि काफी बड़ी बात है बॉलीवुड एक्टर के लिए। उसके बाद अपकमिंग फैंटास्टिक बीस्ट 2 में हमें डंबलडोर अपने पुराने सूट में देखेंगे, जी हाँ, जो कि वो हैरी पॉटर में पहनते थे। उसके बाद एवेंजर इन्फिनिटी वॉर का ऑफिशियली एक आर्टवर्क लॉन्च हुआ है, जो कि आप मेरे ट्रेलर ब्रेकडाउन में देख चुके होंगे। देन उसके बाद एवेंजर इन्फिनिटी वॉर की पूरी टीम जब 2012 में लौटेगी तो वो किस तरीके से दिखेगी, उसका एक आर्टवर्क रिलीज हुआ है। देन उसके बाद बर्ड्स ऑफ पेरी में फाइनली हंटर आ सकती है, ये एक रूमर आ रहे हैं एक तरीके से, तो कुछ कह नहीं सकते, कन्फर्म नहीं है। देन उसके बाद हेलोवीन का ट्रेलर आपको 3 वीक्स के अंदर मिल जाएगा, तो काफी हॉरर मूवी बताई जा रही है, देखते हैं कि ट्रेलर कैसा होगा। देन उसके बाद एंड इन द वास की फाइनली 1 घंटा 48 मिनट की मूवी हो गई है, तो आपको ये चीज पहले ही पता चल गई होगी। देन उसके बाद एक्समैन द डार्क फोनिक्स का फाइनली फर्स्ट लुक लॉन्च हो चुका है, वो भी स्ट्रॉम का, तो कैसी लग रही है आपको कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। देन वंडर वुमन का ऑफिशियली लोगो लॉन्च हुआ है, WW84, जो कि एक ऑफिशियली टाइटल भी है, और देन ये 84 की टाइमलाइन भी होगी। देन उसके बाद टॉय स्टोरी 4 की स्क्रिप्ट लेट कर दी गई है, काफी फैंस नाराज है क्योंकि मूवी में भी काफी टाइम लगेगा बनने में। देन उसके बाद लेंडा फाइनली शूटिंग स्टार्ट हो चुकी है आज से ही, जी हाँ, आज से शूटिंग स्टार्ट हो चुकी है लेंडा की, जो कि वंडर वुमन में काम करेंगी। देन उसके बाद नई एनिमेशन मूवी रिफ्लेक्ट द ब्रेक इंटरनेट में आयरन मैन का कैमियो होगा, जी हाँ, जो कि आपको आयरन मैन बहुत तरीके से दिखेगा। उसके बाद जॉन वीक चैप्टर 3 की शूटिंग खत्म होने वाली है जुलाई के अंदर ही अंदर, तो आपको इस समर तक ये कंप्लीट मिल जाएगी। उसके बाद फाइनली जॉन मैन इन ब्लैक 3 में आ सकते हैं, एक रूमर आ रहा है, अभी कोई ऑफिशियली अनाउंसमेंट नहीं है। और फाइनली जैक स्नाइडर ने एक ट्वीट करा कि वो वंडर वुमन 2 के प्रोड्यूसर है, और उन्होंने वो बाद में काट दिया, तो फाइनली कंफर्म हो चुका है कि वो प्रोड्यूसर बनेंगे। उसके बाद एक्वामैन का न्यू लोगो लॉन्च हुआ है मैगजीन कवर में, जो कि काफी कमाल का लग रहा है, तो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। देन उसके बाद ऑफिशियली पोस्टर लॉन्च हुआ है रिप्ले द ब्रेक इंटरनेट का, तो आपको कैसा लगा बताइएगा जरूर। देन उसके बाद यहाँ पर अब लॉन्च हुआ है ऑफिशियली WW84, जो कि पुरानी सदी का एक पोस्टर है, तो आपको कैसा लगा वंडर वुमन का बताइएगा जरूर। देन बैटमैन का एक आर्टवर्क रिलीज हुआ है, जिसमें कि वो बता रही हैं कि बैटमैन कैसा दिखेगा एक्चुअल में। देन उसके बाद वंडर वुमन प्रैक्टिस करती हुई, जी हाँ, जिम करती हुई नजर आई है, जो कि वो शूटिंग के दौरान अपनी थोड़ी पर्सनैलिटी बढ़ा रही है। देन उसके बाद फाइनली लीगो मूवी का सेकंड पोस्टर लॉन्च हुआ है, जो कि काफी कमाल का लग रहा है, तो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। उसके बाद मॉर्टल्स, ये बहुत ही अच्छी मूवी है पीटर जैक्सन की। देन आपने लॉर्ड ऑफ द रिंग और हॉबिट तो देखी होगी, ये उसी का ही अगला आप एक तरीके से सीक्वेंस समझ सकते हो। देन उसके बाद डॉक्टर फैट, जो कि आ रहे हैं डीसी मूवी में, तो उनका एक आर्टवर्क लॉन्च हुआ है। और देन उसके बाद जोकर का, तो फाइनली जोकर, ये डार्क नाइट वाली जोकर है, जो कि अब सीरीज खत्म हो चुकी है, तो उनका एक आर्टवर्क लॉन्च करा गया डीसी कंपनी ने। देन मार्वल स्टूडियो ने फाइनली एक कुत्ता खरीदा पग, जो कि काफी कमाल का लग रहा है, वो कॉमिक बुक को पढ़ते हुए दिखाया गया है। देन उसके बाद थैनोस का वेपन के साथ एक आर्टवर्क लॉन्च हुआ है, जो कि आपको पहले ही पता चल चुका होगा। उसके बाद एवेंजर 4 की बिहाइंड द सीन फोटो लॉन्च हुई है, जो कि क्रिस इवांस देन उसके बाद एक प्रोड्यूसर के साथ खड़े हुए हैं, तो आपको कैसा लगा ये फोटो बताइए, क्योंकि इसमें क्रिस इवांस काफी चिकने लग रहे हैं। देन उसके बाद यहाँ पर हमारे जेम्स गन ने फाइनली मेंटिस की मॉम को रिवील कर दिया है, जो कि साफ साफ नजर आ रही है। तो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर करो। जो बंदे इस वीडियो को नहीं देख रहा, या तो उस पर आयरन मैन के हाथ मारो या पैर मारो। सब्सक्राइब करो, बाय बाय, जा रहा हूँ।